दोस्त हालचाल इंडिया, मेरी यानी विनीता के साथ। ये देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। राजपुर के युवाओं को गांजे वाली गोगो सिगरेट एवं गांजे की पुड़िया से गांजे के नशे का आदि बनाकर उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर कर राजपुर को उड़ता राजपुर बनाने वाले गांजे का सौदागर पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ गांजे का अवैध व्यापार करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था, जो TI राजपुर राजेश यादव ने SP दीपक कुमार शुक्ला को निर्देशन एवं SDOP पदम सिंह बघेल के मार्गदर्शन में अपनी टीम के साथ लगातार प्रयास करते हुए अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, जो TI राजेश यादव को कल सूचना मिली कि राजपुर नगर में सलमान नाम का एक व्यक्ति लंबे समय से गोपनीय रूप से गांजे का व्यापार कर रहा है एवं गांजे को गोगो सिगरेट के रूप में एवं पुड़िया बना बना कर बेच रहा है, जो TI राजेश यादव ने अपनी टीम के साथ काम करते हुए सूचना प्राप्त की। उक्त सलमान आज एक बैग में गांजा लेकर कहीं जाने वाला था, जो मुखबिर की सूचना के अनुसार TI राजेश यादव अपनी टीम के स्टाफ के साथ जुलवानिया रोड पर यादगार ऑटो पार्ट्स दुकान के सामने पहुंचे, जहां पर मुखबिर ने बताया अनुसार आरोपी सलमान एक सफ़ेद रंग का झोला लेकर दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जो टीम ने घेराबंदी कर उसको पकड़ा और उसको पकड़कर विधिवत जब उसके झोले की तलाशी ली तो झोले में एक प्लास्टिक की थैली में गांजा एवं साथ ही उसमें गांजे से भरी गोगो कंपनी की सिगरेट भी मिली, जिसमें गांजा भरा था, जो प्रथम दृष्टया आरोपी सलमान का कृत्य धारा 8/20 NDPC एक्ट के तहत दंडनीय होने से पुलिस ने उससे विधिवत कार्रवाई करते हुए गांजा प्राप्त किया एवं उसको गिरफ्तार कर थाने लाया। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरा यादगार ऑटो पार्ट्स की दुकान है, जो मैं दुकान में ऑटो पार्ट्स के अंदर अलग अलग जगह पर गांजे की पुड़िया एवं गांजे से भरी गोगो सिगरेट रखता हूँ एवं एक गांजे की 20 ग्राम की पुड़िया 200 रुपये में बेचता हूँ, साथ ही गांजे वाली गोगो सिगरेट 100 रुपये में बेचता हूँ। गांजा लाने के संबंध में पूछताछ करने पर उसने गांजा धवली थाना वरला क्षेत्र से लाना बताया, जो पुलिस रिमांड लेकर इससे और पूछताछ की जाएगी। आरोपी पिछले कई सालों से यह काम कर रहा है। SP दीपक कुमार शुक्ला ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की एवं उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई जिले में लगातार जारी रहेगी। सर, गांजे पर कार्रवाई की गई, ये SP श्री दीपक कुमार शुक्ला सर के स्पष्ट निर्देश है कि जो भी अवैध ड्रग्स मादक पदार्थ के व्यापार में लिप्त हैं और समाज को खोखला कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो SP सर के निर्देशन में मैंने अपनी टीम के साथ लगातार मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और जरिए मुखबिर सूचना मिली कि हमारे राजपुर थाना क्षेत्र का जो गुंडा बदमाश है सलमान पिता इकबाल मंसूरी, ये लगातार गोपनीय रूप से गांजा बेच रहा है और गोगो सिगरेट नाम से जो आती है उसमें भी गांजा भरकर लोगों को बेच रहा है और जिससे युवा काफ़ी इसका शिकार हो गए हैं और उनका जीवन करियर ख़राब हो रहा है। उसी के तारतम्य में मुखबिर सूचना जब पुख्ता मिली तो हम लोगों ने घेराबंदी करके सलमान को उसकी जो दुकान है यादगार ऑटो पार्ट उसके सामने से जब पकड़ा तो उसके पास जो झोला था उस झोले में करीब 700 ग्राम गांजा मिला है और गांजे के साथ साथ सिगरेट जो मैंने बताया कि गोगो कंपनी की सिगरेट थी जिसमें गांजा भरा हुआ था, जो इस सिगरेट को वो 100 रुपये में बेचता था और जो गांजा था उसमें जो पुड़िया बना बना के करीब 200 रुपये की एक पुड़िया लोगों को बेचता था। तो इस प्रकार से आरोपी से कुल जो है 700 ग्राम गांजा मिला है और इसका जो कृत्य है वो 8/20 NDPS एक्ट के तहत दंडनीय होने से गांजा जब्त कर इसको गिरफ्तार कर लिया है और आज इसको माननीय न्यायालय में जो है अभी पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद इसका एक दिन का पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी कि ये सब गांजा ये कहाँ से लाता था और इसका जो तरीका वारदात है उसके संबंध में भी पूरा पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी एक दुकान है ऑटो पार्ट्स की, उस ऑटो पार्ट्स की दुकान में जो छोटी छोटी जगह है ऑटो पार्ट्स के अंदर ही छोटी छोटी पुड़ियाएँ बना के उसमें छिपा दिया करता था ताकि किसी को शक ना हो। और इस आरोपी को SDM न्यायालय के द्वारा 1 साल के लिए बाउंड ओवर भी किया गया था 1,00,000 रुपये के बाउंड के साथ में। पिछले साल 19 अगस्त 2021 को बाउंड ओवर हुआ है तो इस अवधि में इसने पुनः अपराध किया है तो इसके तहत इसके खिलाफ धारा 122 CRPC के तहत कार्रवाई करके इसकी 1,00,000 की जो जमानत है वो जब्त करवाई जाएगी और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर जो भी इसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन आगे होती है वो की जाएगी।